जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, यह बात सदा ध्यान में रखें कि मृत्यु एवं जीवन दोनों पर नियंत्रण रखने वाले एकमात्र भगवान हैं। नाम भगवान और नामी भगवान में कहीं किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। जहां भगवान का नाम है, वहां भगवान आंशिक नहीं पूर्ण प्रकाश है। यह हमारी श्रद्धा की न्यूनता ही है कि हमें नाम में भगवान का संपूर्ण प्रभाव प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता। आप मेरी बात पर पूरा पूरा विश्वास कर लें कि भगवान के नाम के सानिध्य में हुई मृत्यु वैसी ही मंगलमयी है जैसे कि भगवान राम के सानिध्य में उनकी गोद में जटायु की मृत्यु हुई थी। जैसे भगवान की गोद में मरते जटायु को भगवान श्री राम ने अपने धाम अपने पिता दशरथ जी के पास भेज दिया था, वैसे ही भगवान के नाम ने भी एक भक्त को मरने के पश्चात उसी भगवत धाम में पहुंचा दिया है, जहां जाकर कोई भी व्यक्ति पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। आप लोग मेरे विश्वास को अपना विश्वास नहीं बनावे यह तो आप जाने, परंतु मुझे तो इसमें कहीं कोई संशय ही नहीं कि वो भक्त भगवान के नाम ने उनकी वही सद्गति की है जो ऊंचे से ऊंचे सिद्ध भगवत भक्त की हो सकती है। जिस भाग्यवान प्राणी की मृत्यु भगवान के नाम की गोद में हो, उसकी कितनी आनंदमयी सर्व मंगलकारी स्थिति है, इसकी कल्पना भी हम सबको नहीं। हमने अभी तक कभी किसी की भी वैसी मंगलमयी परिस्थिति देखी नहीं है। हमें तो कभी ऐसे सौभाग्य का आंशिक अनुभव भी नहीं हुआ है। हम इतने अभागे हैं कि हमने मंगल में नाम भर सुना है, हमने मंगल एवं आनंद का अनुभव ही कहाँ किया है। जैसे गुड़ का नाम भर सुनने से गुड़ के स्वाद की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मंगल में शिव, कल्याण में, आनंद में, सच्चिदानंद आदि नामों का श्रवण करने से ही उन भावों की कल्पना नहीं होती। जब भगवान का परम मंगल में नाम लेते लेते भगवत कृपा से भाग्यवान साधक उनकी विशुद्ध मंगलमयता का स्वाद चखता है, भागवती आनंद में पूरा सिक्त हो जाता है, तभी उसे अनुभव होता है भगवत सानिध्य की परम मंगलमयी एवं घन आनंदमयी स्थिति कैसी होती है। उन साधक की मृत्यु में अमंगल की सर्वथा ही कल्पना नहीं करें, ऐसी मृत्यु ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। हाँ, यदि हम चाहें तो स्वयं जीवित रहते हुए ही अपने को भगवान के चरणों में अर्पित कर जीवन मुक्ति रूप मृत्यु का आनंद ले सकते हैं। सच्चे भगवत प्रेमी जन इस जीवित मृत्यु को वरण कर प्रभु प्रेम में छलकते रहते हैं। प्रेमियों का जीवन जहाँ प्रभु प्रेम में छका हुआ व्यतीत होता है, उनकी मृत्यु भी उन्हें अपने प्रियतम प्रभु के निकट पहुँचाने वाली होती है। अवश्य ही ऐसा लिखना पढ़ना आसान है, वास्तविक मृत्यु को इस रूप में वर्णन करना अत्यंत ही कठिन है। परंतु सचमुच ही यदि हम भगवान एवं भगवान की कृपा को अपना संबल बना लें तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पूज्य बाबा कहते हैं, मैं तो संतों के सत्संग एवं शास्त्रों की वाणी से एक ही निश्चय पर पहुंचा हूँ, मुझे अकाट्य एवं अमोघ सत्य दृष्टि गोचर हो रहा है कि करुणा सागर प्रभु की हेतु रहित दया से विश्व का एक पामर सा कीड़ा और जगत सृष्टा ब्रह्मा जी दोनों समान रूप से निरंतर भीग रहे हैं। करुणा सागर की अपार करुणा की लहरें इतनी उद्याम असीम एवं अथाह हैं कि कोई भी उनसे वंचित नहीं रह सकता। यदि कोई भी प्राणी उनका नाम ले लेकर ही उन्हें पुकारता रहे तो उसे उस दया का परिचय अवश्य अवश्य ही मिल जाएगा, यह मेरा विश्वास है। भैया, प्रारब्ध का फल तो होकर ही रहता है, वह टाला नहीं जा सकता। दुख के साथ मनुष्य प्राय चंचल हो जाता है, उस समय भक्ति के सुंदर भावों को पल्लवित करने में कठिनाई का अनुभव करता है। बुद्धिमानी इसी में है कि कठिन से कठिन विपत्ति के अवसर पर
भी मनुष्य किसी दूसरी ओर न मुड़े। भगवान का सहारा छोड़कर मनुष्य यदि किसी दूसरे की शरण ले लेता है तो समझना चाहिए भगवान पर उसकी श्रद्धा नहीं है। भगवान की दया कैसी हेतु रहित है और विलक्षण है, इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत जी में आता है। अहो बकीयम स्तन काल कूटम, अहो आश्चर्य है, इस पूतना ने अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से अपना स्तन पिला दिया। ऐसी असाध्वी बाल हत्यारिणी को भी जिन्होंने अपनी माँ यशोदा के समान गति दे दी, ऐसा अन्य दयालु कौन संभव है जिसकी शरण ली जाए। परम सत्य यही है भैया कि अपार कृपालु की अनंत कृपा धारा में ही यह सारा संसार डूबा हुआ है, परंतु हम उस कृपा धारा का अनुभव नहीं कर पाते। यह इसी प्रकार है जैसे अनंत समुद्र में तैरती एक छोटी बाल मछली अपनी माँ से जिज्ञासा करती है, माँ लोग कहते हैं मछलियाँ समुद्र में पैदा होती हैं, वह समुद्र माँ कहाँ है, मुझे तो दिखता ही नहीं। जैसे मछली को मछली की बच्ची अपने ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं समुद्र ही समुद्र होते हुए भी समुद्र को नहीं पहचानती, उसी प्रकार हमारे चारों तरफ सब ओर दयामय की अपार अनंत दया के रहते हुए भी हम उस दया का अनुभव नहीं कर पाते। इस अनुभवहीनता और अविश्वास के कारण ही हमारा सब दुख है। भगवत कृपा का अनुभव नहीं होने में एकमात्र हमारे अंतःकरण की मलिनता ही है, अन्यथा भगवान के साकार विग्रह में रक्त मांस तो है नहीं, उसमें तो मात्र कृपा ही कृपा है, आत्मीयता ही आत्मीयता भरी है। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी कहते हैं, चिंता कदापि नहीं करनी चाहिए, भगवान को बस अपने को निवेदित समर्पित कर देना ही जीवन का कर्तव्य है। भगवान की सत्ता ही उनकी कृपा महिमा से पूरम पूर है, उनमें कृपा के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं, अतः उनका संपूर्ण विधान कृपा पूर्ण ही संभव है। भगवान की भगवत्ता ही उनका कृपा स्वभाव है, वे हमारी निश्चय ही अलौकिक गति करेंगे। भैया कठिनाई यही है कि हमने भगवान को तो देखा है नहीं, जो भी हमारे दृष्टि पथ में लोग आए हैं वे सभी रागी द्वेषी, उनमें यदि कहीं कुछ भी कभी उपकार भावना उदय होती है तो उसके साथ ही वे उस उपकार का बदला भी चाहते हैं। अतः हमारी दृष्टि में जीवन भर में हेतु रहित कृपा का कोई उदाहरण नहीं आने से हमारा विश्वास ही नहीं बनता कि कहीं कोई कृपा सागर स्वरूप भी संभव है। वास्तव में हमारे पास भी कोई उपाय नहीं है कि मैं आपको या अन्य किसी को भी मेरी बात का विश्वास करा दूं। परंतु अनादि काल से अब तक जितने भी जगत में संत महात्मा हुए हैं, आज भी जितने महात्मा हैं, सभी का यही अनुभव था एवं है कि अपने आप को भगवान की कृपा पर छोड़ दो, मात्र बस मुख से जितने भी 2, 5, 10, 20 भगवान के पावन नाम बने लेते जाओ। अधिक नाम ले सको तो कहना ही क्या, परंतु भगवान को अधिक नाम पुकारने की खुशामदी और चाटुकारिता कोई रिझाती हो सो बात भी नहीं है। अपने आप को सच्चे विश्वास से भगवान की कृपा पर छोड़ दो, सारे साधन अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। बस हमें इतना ही करना है कि हम अपने भीतर भगवत कृपा का जो क्षीण सा भरोसा है उसे बनाए रखें। श्री तुलसीदास जी अपने पद में यही बात कैसे प्रगाढ़ विश्वास से दोहराते हैं, हम भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर गाएं तो धन्य हो जाएंगे कि मैं भरोसे अपने राम के और नहीं कछु काम के, दो अक्षर सब कुल तारे वारी जाऊं उस नाम के, तुलसीदास प्रभु राम कृपा धन और देव सब दाम के। जय श्री राधे।